स्वागत है आपका यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए भारत रत्न स्वर सम्राट की लता मंगेशकर जी और श्री कृष्ण कुमार कुन्नत जी को पूरे क्रिस परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत संगीत में शाम में, और इस शाम का आगाज करेंगे श्री नवीन वर्मा जो कि गा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म मेरे सनम से, पुकारता चला हूं मैं। The stage is all yours, नवीन सर। ये दिल लगी ये शौखिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक चाँद ज़ुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं।
सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव ज़ुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। दोस्तों जब दो नजरें मिलती हैं तो दिल मिलते हैं और प्यार होता है। अब इसमें अगर कोई कहे कि सिर्फ नैनू का कसूर है तो ये गलत बात होगी। इसी बात को समझाने के लिए आ रहे हैं मिस्टर संदीप। गीत के बोल हैं नैना का कसूर। भोसले जी ने और आपके लिए पेश करेगी देवचानी रॉय कश्यप। द स्टेज इज ऑल योर्स देवचानी।
फलसफा लेकर आ रहे हैं श्री गौरव अग्रवाल। गीत के बोल है जीना इसी का नाम है। स्टेज इज यस गौरव। हेलो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम इसे नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम इसे नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और अब अपना दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आपके लिए कुमार सानू जी का गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आ रहे हैं श्री अमित झा। गीत के बोल है सूझ में तुम्हें प्यार है करें कि नहीं।
स्टेज इज ऑन योर सबित। हे हे सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। प्यार का इजहार करते हैं तो वो कहते हैं, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान है जिंदगानी। ये गीत आपके लिए पेश करेंगे श्री शिवम सिंह। द स्टेज इज योर्स शिवम। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है।
वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं हिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नसीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नसीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे जुल्फ से उठी है ये खटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। इस खूबसूरत प्रभावी शब्द अपनी आवाज से चार चार लगाने आ रही है सुरभि सिंह। इस खिदमत है अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार विनर मोह मोह के धागे। स्टेज इज योर्स सुरभि।
पंकज उदास जी ने जब कहा कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, तो न जाने कितने लोगों के दिल धड़क उठे। आज इस खूबसूरत गीत को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नितेश कौशिक। स्टेज इज यास नितेश। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरें भर भर देखें तुझको आते जाते लोग, छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघटिया निकाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। This is the last song of this evening and it's a tribute song to the legendary singer Shri Krishna Kumar Kunnan ji. Thanks a lot KK sir for making our childhood memorable. You will be missed always. हसीन है ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है कोई तो वो राजदार, तुझसे कोई तो वो राजदार। मोहब्बत ही तो बंदगी है ये ना हो तो क्या फिर,
हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीब Thank you so much. Thank you. हेलो हेलो मजा आया और मजा चाहिए. अच्छा आप लोगों के लिए कुछ किया जाए. नहीं नहीं अब मैं आपसे पूछूंगा. अभी आप पूछ रहे थे अब मेरी बारी है. तो एक शिवम सिंह ने गाना गाया था मुझे इश्क है. वो किसने गाया गाना? प्लेबैक सिंगर कौन है? नहीं इसके लिए चॉकलेट नहीं है. बट अब आएगा सवाल. सवाल ये है कि जो मोहम्मद रफ़ी, ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद रफ़ी जी जो हैं उनका एक गाना था, बॉलीवुड मूवी का एक गाना था जो कि एक हॉलीवुड मूवी के ओपनिंग क्रेडिट में बना था. ओपनिंग क्रेडिट बता दूं क्या होता है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो नाम आते हैं जो, उसको ओपनिंग क्रेडिट कहते हैं. तो मोहम्मद रफ़ी जी का ये गाना उस ओपनिंग क्रेडिट, हॉलीवुड की एक मूवी के ओपनिंग क्रेडिट में बजा था. अब इसमें ना दो सवाल है मेरे पास. पहला सवाल तो ये है कि वो बॉलीवुड की मूवी कौन सी है और हॉलीवुड की मूवी कौन सी है. चलिए गूगल कर लीजिए. देखो हितिन दत्त जी वहां से कुछ कहना चाह रहे हैं. नहीं है. अच्छा चलो मैं हिंट देता हूं. एक क्वेश्चन कम करता हूं. बॉलीवुड मूवी गुमनाम है. बॉलीवुड मूवी वॉज गुमनाम. बॉलीवुड मूवी गुमनाम थी और गाना था जान पहचानो. आप हॉलीवुड की मूवी बता दीजिए. किसने बताया? ये किसी के लिए नहीं है. किसी को नहीं पता? इतनी देर में तो गूगल कर लिया होगा. चलो खैर छोड़िए. अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो कार्यक्रम है वो है क्विज का. तो आएगा आएगा नंबर आएगा. तो क्विज का जो है उसके लिए अब हमारे जो मैं को होस्ट है मिस्टर प्रदीप रावल. तो सारे लोग अपने फोन उठा लीजिए, साइलेंट मोड में लगा लीजिए और लेट्स स्टार्ट विद द क्विज. Thank you, Saurav. Hello and welcome, everybody. After lunch, this is Pradeep Rawal, your host for the next quiz competition. पूरे साल की मेहनत के बाद ये एक दिन आता है जिस दिन हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और एंटरटेन होते हैं. लेकिन इस बार ये तीन साल बाद आया तो हमें इस बार तीन गुना एंटरटेनमेंट की जरूरत है. एंड जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ये एंटरटेनमेंट कम न हो, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्विज कॉम्पिटिशन अगेन. बट दिस इज नॉट टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे तरीके हैं. इस क्विज का पर्पज है आपको एंटरटेन करना. दैट्स व्हाई वी रीनेम इट विद क्रिस वन क्विज. सो इट विल बी अ न्यू वे ऑफ क्विजिंग इन द क्रिस जो हम आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. इट विल बी अ सिंपल बट एंटरटेनिंग प्रोसेस. तो फॉर दैट आई जस्ट हेल्प यू कि आप इस क्विज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इट विल बी अ थ्री स्टेप प्रोसेस. सो प्लीज टेक आउट ऑफ योर मोबाइल, अपनी पॉकेट से उस खिलौने को निकालिए जो हमेशा आपको डिस्टर्ब करता था, आज वो आपके लिए काम करेगा. सो जस्ट टेक आउट योर मोबाइल. द थ्री स्टेप प्रोसेस विल बी: First step, open your browser and open the link joinmyquiz.com. Then I'll share you a quiz ID, वो आपको डालना होगा.
then your participant name ID. So first step, take out your mobile and log in to joinmyquiz.com. The best thing is every one of you can participate because up to the quiz competition, 40, 50 or maximum 60 log participate karte the. But today, everyone sitting in this auditorium, including the people on the backstage, can participate. So just be ready with the link. Yeah. Not volunteer. Backstage. If it is done, it will ask you for your quiz ID. I'll wait for you to join. Don't worry. Again, it is developed by IT engineers like us only. But har koi apni tarah nahi hota ki IRCTC ki tarah ek minute mein 7200 tickets bana paaye. So inka load bhi aayega. Just wait for them. There are people are joining. If people are joining, how this can be invalid? It's 073-622. The code is on the right hand side on my mobile. 7073622. क्योंकि मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट है वो गलत नहीं होगा. टाइपिंग एरर कैन बी देयर. आई एक्सेप्ट. उधर वाला गलत है. ये स्क्रीन कैसा आएगी? डन. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी जॉइन. दिलीप वेलकम, अभिषेक वेलकम, राजेंद्र वैष्णव वेलकम, सूरज वेलकम, उमेश सर वेलकम, अंशुमन वेलकम, ललित वेलकम एंड अ लॉट मोर. आई कैन नॉट काउंट. Let's take a look. A lot of people have already joined. So if you think you are not able to join, check your internet connection. Maybe aapne silent karne ke bajaye flight mode mein kar diya hoga. I repeat the code 073622. 073622. So we have 156 people joining now, and I think we have a capacity of more than 250. Still 100 people are left behind. Itna slow nahi chal sakte. 176, superb. Welcome Surbhi, Rishabh, Shilpa Shinde, Rishabh, Naveen, Bindu, Roop, Rajkumar. Code again is on the screen, 073622. 196, 199, 200. Congratulations. Till now, हम लोगों ने देखा था 150 or 200 people participate नहीं कर पाते थे quiz competition में. So let's cheer it with a new initiative done by the organizers. So hope we are ready. No, still people are joining. Amazing. So we can start after 250. बच्चों बच्चे 50 लोग. Okay, no problem. So congratulations, 10 people left. Last 10 lucky people. Arvind Prajapati, welcome Devjani, welcome Naman sir, welcome Anir, Anirban, Rajesh, Negi, Vijayendra, Harish Thakur, Poonam. Again code. अब तक तो याद होने आना चाहिए था. We are Chris engineers. We have a photographic memory. 255. So let's start the quiz with count of 15. Eyes on your screen and keep your thumb ready for the answers. Every question will have 30 seconds. But before that, I would love to introduce some more features. इस quiz में आपके पास बहुत सारे power-ups हैं. Google कर सकते हो, phone a friend कर सकते हो, लेकिन time सिर्फ 20 seconds का है. And the most important thing, you have some power-ups, you can use them. The first power-up is eraser. Quiz start hone se pehle aap apne power-up select kijiye,
रैंडमली थ्री आपको मिलेंगे. यू कैन रीशफल, फिर रैंडम मिलेंगे, बट तीन बार से ज्यादा रैंडम रीशफल नॉट अलाउड. इरेजर विल रिमूव वन रॉन्ग आंसर. एक्स टू विल डबल योर स्कोर. यू कैन गेट डबल स्कोर. डबल जेपार्डी एग्जैक्टली सेम, डबल स्कोर मिलेगा, बट गलत जवाब -50%. सुपरसोनिक इज एन अमेजिंग फीचर. अगर एक ने यूज किया, पूरे ऑडिटोरियम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 20 seconds. नेक्स्ट वन इज टाइम फ्रीज. कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको उसका आंसर नहीं पता एंड यू वॉन्ट टू फ्रीज योर टाइम टू थिंक, फॉर वन क्वेश्चन यू कैन यूज इट एंड फ्रीज योर टाइम. नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी. गलत जवाब अलाउड है, एक बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को. नेक्स्ट वन इज 50-50. गलत जवाब नहीं देना है, कोई भी दो रॉन्ग आंसर्स आप हटा सकते हो. एंड द लास्ट वन इज स्ट्रीक. जितने लॉन्ग आंसर्स आप कंटिन्यूटी में राइट जवाब दोगे, यू गॉट अ बोनस पॉइंट. सो यू कैन सेव योर स्ट्रीक बाय यूजिंग दिस पावर अप. सो यू कैन रीशफल एंड इफ यू आर रेडी लेट्स स्टार्ट द क्विज. वी हैव 320 पीपल. कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी. Great round of applause for all these 320 people. We are going to crack this record or isko hum overload karne wale. Let's start the quiz. With a count of 5, 4, 3, 2, 1 and go. The ranking will be on the screen. Jo bhi aap mein se sahi jawab dega, he can be top on this ranking. The first question is answered by Amit Singh Mehra, 930 score. Second rank Vaibhav Singh, third rank Anoop. Fourth, third rank is again costless, a tie. Hitendra Dutt again on the third rank. Superb. Accuracy till now is 29%. Superb. Everybody is serious about their question and answer. And we have a mix of questions from technology, from railways, from IT, from sports, from books. But we are not testing your intelligence. We have last 10 minutes to get this question completed. The top ranker is Pasa Majumdar, Kashlesh, Abhishek Srivastava, Monika Singh, Amit and Sunil. The heartbeat is very high. Those who are not participating are smiling. I don't know why. They are feeling relaxed because is trauma se wo bahar. Top rank Amit, second Partho Majumdar, Vijay Devnath sir, Ravikant, Sunil, and ranking changed again. Still Amit is on the top, but new people are joining in. We have last 9 minutes left. Amit, Abhishek Srivastava, Utkarsh, Amit Mal, Ghanshyam Babu, and Harry Hospur leading. Varsha is now leading. Lalit Aneja is leading. Archana now on the fourth rank. Ghanshyam Babu now on the fourth rank. The competition is very tough. Don't forget to use your power-ups. They can make you winner. So use them wisely. Every second is important here. If you answer in 1 second, you got complete 1,000+ points. If you answer in 8 seconds, you will lose 100 points for every 2 seconds. So make sure you are quick, you are fast, you are accurate. Itne serious faces maine SP ke interview mein bhi nahi dekhe the. Come on, everybody.
Archana, Amit, Harry Hospur are the top. Devnath sir, fourth. Varsha, fifth. Sixth is Aman, Abhishek Srivastava, and Aman on 7 and 8. Rohit Jain, 9. Naresh is on the 10. Quick. I promise you the entertainment, and I hope you are getting the feel of quizzing, the new way of quizzing in quiz, the different way of quizzing in the quiz. Till now, we are on halfway mark. The time is going on. Tick, 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 tick. Every second is important here. Wrong answer, not a problem. Right answer, you got a score. Best timer, best scorer will be awarded here. Top three scorer will be awarded here today only by the end of the day. Let's check the ranking again. Timer is on and ranking is changed here again. Archana, Aman, Amit, Atul. But as of Mathur sir, competing on the third point. Piyush leading and fifth. Harry Hospur is giving very tough competition to Mathur sir. Rajendra Vaishnav in the top five. Utkarsh in the top six. Mathur sir on the leading second rank. Superb. The heartbeat I can hear from everyone. Last 6 minutes pending. Wow, what a feeling, what a pin drop silence here. I promise everybody from this group can participate. So the total participants are now more than 357 now. 350 logo ko ek baar mein chup karana. Not practically possible, but we did it today. You can cheat, you can ask, you can phone a friend, you can Google, but you have last just 20 seconds in your hand. 5 minutes, 20 seconds left. Garmi bahut zyada hai. Because the auditorium is heated by different and difficult but easy questions. Ranking is quite stable. Archana on the top. Mathur sir second. Aman third. Rinku Soni on the fourth. The people who prepared for the exam, for competitive exam, can do better, but no guarantee. Let's take a look of ranking. Fifth number, Shahinshah Atul Singh, 7th. 9th, Abhishek Srivastav. 11th, Harry. 12th, Amit Singh Mehra. 13th, Pranav Verma. 14th, DK sir. 16th, Shyam Babu, and ranking changed again. Shyam is in top 15th now. Let's give a load on this website. Ye humse better nahi kar sakti. Last 4 minutes. Geo connectivity is better today. Let's wait for re-ranking after a few questions. Last 3.5 minutes. 200 seconds left. So do it fast now. The top rankers are quite stable. The top five people are quite stable here. Archana, S.S. Mathur sir, Rinku Soni. But still, in the last 3 minutes, this ranking can be changed. People who are coming from the back can lead the whole quiz. Less than 3 minutes. There's a tough competition between people above 50.
104 correct answer, 96 incorrect answer. So our accuracy is not so good till now. Accuracy is less than 43%. क्या हो गया है हमारी नॉलेज को? मैंने बोला है फन क्विज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस कम हो गई है. Total 14,590 points is scored by the whole team. Don't look at your rank now. We have last 2 minutes pending. It's less than two. In the next 2 minutes, a lot of things can change. Look at these serious faces. How intelligent they are. How smart they are. But they need not to prove it to anyone. Top 10 people are quite constant from a long time. Last 60 seconds now. We are going to end this quiz in the next 50 seconds. Do it fast. Let your thumb work for you. I think a lot of people have already completed the quiz, so now they are seems to be relaxed. Last 30 seconds left. At the end, you may got one extra chance. So last 5 seconds left. So let's count. 4, 3, 2, 1. And let's close this quiz. We are having 43% accuracy. Congratulations, everybody, though, all who are participants. Now we have a top 3 ranker here, Archana. Congratulations, Archana, for getting the first rank. A big round of applause for Archana. The second rank is S.S. Mathusar. A bigger round of applause for them. The third rank is Rinku Soni. So let's have a cheer up all three top winners. Rest all are played very well. Boys played very well, but don't take it in otherwise. It is just for a fun. Let's reconnect. Winner, okay? Okay. Winner. ये वाला light off होगा next program के लिए. लाइट ऑफ स्टेज पे जो लाइट है उसको ऑफ करा दी. अपने पास रखो जब तक पीछे कहाँ ले जाएगी.
वाइल्ड स्किड की तैयारी हो रही है, हम लोग 5 मिनट रुकेंगे, बट उसके बीच मैं सारे लोगों से कहूँगा कि पिछले 2 या 3 सालों में हमने लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा, और मैं दूसरी तरीके ना जाके एक ह्यूमर वाले फॉर्म में जाऊँगा। तो कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है लॉकडाउन में? 3 महीने घर पे रहे, 4 महीने घर पे रहे, कोई है जो वॉलंटियर? मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 3 महीने रहा घर पे, तो मुझे पता चला कि चप्पल भी 2 तरह की होती है, एक घर की चप्पल, एक बाहर की चप्पल। पहले मैं सोचता था चप्पल सिर्फ पहनने की होती है, बट लॉकडाउन में पता चला कि वो घर की भी होती है, एक बाहर की होती है। और देखिए आप, वो घर की बात है, बाहर ना लाइए। सर वही अगला वही। और सर अब मैं ना एक कंपनी है उस पर क्लेम करना चाहता हूँ जो कहता है कि 2 बूंद में कढ़ाई साफ हो जाती है। 2 बूंद में कोई कढ़ाई साफ नहीं होती है। 2 बूंद जिंदगी की है बस, कढ़ाई साफ नहीं होती है। और कोई है जो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अच्छा, ये तो पता ही लग गया होगा कि 3 सीटी में चावल बन जाते हैं। नहीं पता? 4। हाँ, चावल पे डिपेंड करता, सही बात है। हाँ, अच्छा, क्विज के रिजल्ट है हमारे। So we have the final result of the quiz. Sorry to our Jio network and Chris network by the IHC. So we have the final ranking now. The highest scorer is Surbhi, 21,500 points. So let's have a round of applause again for the Surbhi. Second rank is Hitendra Dutt. He has scored 19,500 points with 64% accuracy. Piyush, 19,135 points. And accuracy is much, much better, 84%. But due to the time delay, he lost that. Is anyone having 100% accuracy? Any guesses? Koi ho sakta hai? In the top 10, there is no one who got 100% accuracy. The highest accuracy is Rajendra Vaishnav, 84, Piyush, 84%. So congratulations for both of them also. A big round of applause for all 357 people who participated in this quiz. It's your quiz. You are part of this and you are part of this organization. So thank you everybody. Your host, your coach is signing off now. See you in the next session. Over to you, Saurav. अच्छा, हमारे एक कलीग हैं अजय बहरा जी, उनकी घड़ी खो गई है, स्मार्ट वॉच है, ढूंढने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अगर इतनी स्मार्ट है तो क्यों वापस नहीं आती है? अच्छा, जब तक ये तैयारी चलती है तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। हमारे पास चॉकलेट्स हैं आप लोगों को देने के लिए, पर आप लोग चाह नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ? सवाल पे डिपेंड करेगा। अच्छा, पहला बहुत सिंपल सवाल है, ये सॉन्ग था सोचेंगे तुम्हें, ये किस पे फिल्माएगा था, किसने गाया था गाना? ये तो ऋषि कपूर जी की ऑटोबायोग्राफी आई थी, क्या नाम था उसका? सर को राइट आंसर सर। चॉकलेट चॉकलेट नहीं, बता दिया सर ने। द टाइटल ऑफ द बायोग्राफी वाज खुल्लम खुल्ला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राज कपूर का पूरा नाम बता दीजिए। सर दूसरों को मौका दे दीजिए सर। रणबीर राज कपूर। चॉकलेट दो सर को यार। हेलो। अच्छा,
एक क्वेश्चन था, इन्होंने एक संदीप जी ने गाना गाया था अंधाधुन मूवी का, अंधाधुन उसका वो एक फ्रेंच मूवी के की इंस्पायर थी, उस फ्रेंच मूवी को कोई बता सकता है? नहीं है किसी को पता अंधाधुन किस मूवी पे बनी थी? प्लीज रेज योर हैंड। ये आपको प्रोनाउंसिएशन सही करने पे मिलेंगे, कल मैंने आधा घंटा प्रैक्टिस किया है। चलो बता दीजिए। द पियानो ट्यूनर। नहीं फिर एक मिनट। द पियानो ट्यूनर। फ्रेंच में लग नाम होगा। मैंने सीख लिया है, आप बता दीजिए, स्पेलिंग बता दीजिए, आप बताइए। ठीक है, एल कॉर्डियर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी वाली चॉकलेट। मैं प्रोनाउंसिएशन पकड़ा था, को गूगल तो सबने कर लिया है। फ्रेंच है, फ्रेंच। अच्छा एक और सवाल, आयुष्मान खुराना जो है वो पहला, उन्होंने एक रियलिटी शो जीता था यार, कैंसिल। अच्छा अब प्लीज हाथ उठाइए, दो चॉकलेट हमारे पास है, हम घर ले जाएंगे फिर। हाँ सोच लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन फिर क्या करेंगे हम? गाड़ी का नंबर है 3498। फोटो के लिए क्या पता नहीं है। अच्छा एक लता मंगेशकर जी का भी एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मूवी प्रोड्यूस करी थी, वो 90s में आई थी, कोई बता सकता है मूवी का नाम? आंसर हाथ उठा के बताना है, बहुत आसान है। सर बता रहे हैं सारे आंसर। सर एक सेकंड रुक जाइए, सर मैं पूछ लूँ, कोई बता रहा है क्या? वो बता रहा है ऊपर। हाँ ऊपर। हाँ लेकिन करेक्ट आंसर है, कोई वो चॉकलेट देने के लिए उनको? अभी नहीं है। अभी मिल जाएगा, है कोई ऊपर? स्किट टीम इज रेडी? नहीं है, है। मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं जब तक, अब प्लीज हैंड रेज करना, ठीक है? अच्छा एक मूवी आई थी जिसमें तीन जनरेशन एक साथ थे, जो कि ओरिजिनल में भी तीन जनरेशन है, वो मूवी आपको बताना। आज और कल। बॉलीवुड। कल आज और कल। थैंक यू सर। लाइट्स ऑन प्लीज, लाइट्स ऑन करा दीजिए, स्किट टीम इज रेडी। तो अब मैं थोड़ा सा स्किट के बारे में आपको बता देता हूं। हैप्पी सिंह के बारे में सब लोग जानती हैं, याद है हैप्पी सिंह? भूल गए, कोरोना ने भुला दिया। प्री कोविड वाला हमने हैप्पी सिंह देखा था, हम पोस्ट कोविड वाला आपको ला रहे हैं, हैप्पी सिंह 2.0 आए हैं हमारे लिए आए हैं। तो आज प्लीज वेलकम हैप्पी सिंह का स्किट, जोरदार तालियों के साथ। मैं तो उसके उनके अनाउंस के बाद जाऊंगा ना मैं। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन या आपकी दिनचर्या से कोई संबंध नहीं है। यदि फिर भी आप
अपनी बुद्धिमता से कोई तुलना करते हैं या इसे अपनी दिनचर्या के अनुरूप समझते हैं तो कृपया अपने रिस्क पर करें। यह स्क्रिप्ट पूर्ण रूप से ओपन सोर्स है। अजी सुनिए, कल पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि क्रिस खतरे में है। पापा पापा, मुझे कि क्रिस खतरे में है। चिची, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। अभी मैं ऑफिस के लिए हो रहा हूँ, निकलता हूँ। डायरेक्टर साहब मतलब? अरे डायरेक्टर साहब, वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सरवन जी, उनको नहीं जानते क्या? और डायरेक्टर से याद आया, अरे हमको उनका भी तो गाली साफ करना था। भैया हम चले, हमको लेट हो रहा है। मैं भी लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। चलो ठीक है। फिर हैप्पी सिंह अरे साहब, ये चाबी पार्किंग ठीक लगा के जाइए। भाई ये देखो चाबी, मुझे अटेंडेंस बात करना है, देर हो रहा है पहले। अरे साहब क्या क्या कर रहे हो ये, मैं क्या करूंगा इसका? गुड मॉर्निंग तो लेते जाइए। डालो खाली, इसमें आगे भी तो बोल रहे हैं ना, ये ओटीपी आज भी नहीं आ रहे। हो गया चेक इन। अरे सर अब तो गुड मॉर्निंग ले लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? क्या सर, आज भी वही क्रिस वाली टी शर्ट? क्यों ना पहनूं भाई, पैसे दिए इसके लिए। क्विक शॉट बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, क्विक शॉट वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बबल शॉट बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, बबल शॉट वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अरे भाई सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ोगे क्या? सुना इस बार जनरल अवेयरनेस भी आ रहा है, काफी सारे ऑफिस ऑर्डर्स आए हैं, वो भी देख लेना। ओके सर। और स्पेशली वो है ना जो नया एसपीए का फॉर्मूला है, वो जो रख लेना, बिल्कुल वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके सर, एसपीए फॉर्मूला इज इक्वल टू a into bracket 363 minus bracket l minus 30 upon 365। ये क्या कर रहा है यार? अरे सर इसका 2 साल से प्रमोशन रुका हुआ है, एग्जाम है बेचारे का, तैयारी कर रहा है। 2 साल से तो मेरा भी प्रमोशन रुका हुआ है। अरे सर प्रमोशन का क्या करना है जब कृषि खतरे में है? ये तो सच है, कृषि तो खतरे में है, पर एक बात बताओ, कृषि अगर बंद होगी तो करेंगे क्या? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। सोचा कुछ दिक्कत? सर आप ना टेंशन बहुत लेते हो। मतलब हमने तो सोच रखा है भाई, पकौड़ा तलेंगे, लाखों कमाएंगे, भैया ऐश की जिंदगी रहेगी अपनी। तो हमने तो सोच रखा है सर, गांव जाएंगे, अपनी जमीन है वहां एक फार्म हाउस बनाएंगे, बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सर मैं तो अग्निवीर बनूंगा। मेरे पास भी कुछ नया आइडियाज है, मैं तो भाई शार्क टैंक चला जाऊंगा। ये शार्क टैंक क्या है आपको पता नहीं सर? गूगल सर्च देख लो सर, आइडियाज की असली कीमत वहां पर ही है। अच्छा अभी देखता हूं मैं। और आइडियाज देखते देखते हैप्पी सिंह पहुंच गए शार्क टैंक ख्यालों में। इंडिया में हजारों लोगों के सपनों को उम्मीद देने शार्क टैंक, इंडिया
इंडिया के कोने कोने से अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट पाने की चाह लिए यहाँ आएंगे एंटरप्रेन्योर और उनके बिजनेस को परख के इन्वेस्ट करेंगे मल्टी मिलियनेयर बिजनेस टाइकून्स यानी शार्क्स, बदलते भारत की नई तस्वीर। इंडिया में हजारों लोगों के सपनों को उम्मीद देने शार्क टैंक। इंडिया के कोने कोने से अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट पाने की चाह लिए यहाँ आएंगे एंटरप्रेन्योर और उनके बिजनेस को परख के इन्वेस्ट करेंगे मल्टी मिलियनेयर बिजनेस टाइकून्स यानी शार्क्स, बदलते भारत की नई तस्वीर। हेलो, और मैं आपके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेके आया हूँ, एक इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशन ईएसएस, जो पूर्ण रूप से जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, फुली ऑटोमेटेड। वाओ, ईएसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है उनके वेलफेयर के लिए। तुम क्या नया लेके आए यार? No shark. This is not employee self service. This is employee screw system. Screw. Screw. Right. ये system employees को screw करता है, उनको हमेशा edge पे रखता है। और इसका main मकसद welfare नहीं, इसका main मकसद है employee को परेशान करना। What? भाई, एक बात बताओ। ये employee screw system जो कह रहे हैं, ये वाकई में काम करता कैसे है? कुछ डिटेल में बताओगे सभी लोगों को? यस शाक, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इनोवेटिव फीचर है वो है अटेंडेंस। इस अटेंडेंस फीचर का मेन मकसद है कि आपकी प्रोडक्टिविटी 8 घंटे नहीं 8.5 घंटे इंश्योर करना, 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक। 1 मिनट भी अगर एम्प्लॉई अपनी सीट से उठा उसकी सैलरी कट, और इवन अगर वॉशरूम भी गया तो जितनी देर के लिए वॉशरूम में रहा उसकी सैलरी कट। गजब बेइज्जती है यार, जबरदस्त। लेकिन ये बताओ, हाउ विल यू इंश्योर कि सैलरी कटे ही कटे? जैसे मैंने पहले बताया, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं। आपका फेस कैमरे से हटा, सैलरी कटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। बट एक बात मुझे याद आ रही है, कभी कभार क्या होता है कि हमारी बोर्ड्स की मीटिंग होती है, अर्जेंट मीटिंग, उसमें तुम्हारा ईएसएस कैसे काम करता है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए हमारे पास कैमरा लगे हैं, लेकिन अगर वो मीटिंग में जाता है तो हमारे पास जियो फेंसिंग फीचर है। और मीटिंग से ध्यान आया, इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर है रिफ्रेशमेंट का। ये सुनिश्चित करता है, ये सिस्टम प्रपोज करता है कि जब वो मीटिंग में जा रहे हैं तो उसको किस तरह के स्नैक्स ऑफर होंगे। अगर वो मैनेजमेंट मीटिंग में जाएगा तो उसको ढोकला मिलेगा, स्वीट्स मिलेंगी। लेकिन अगर वो टेक्निकल मीटिंग में अपनी टीम के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसको डिस्पोजेबल कप में चाय मिलेगी, लेकिन वो भी 4 बार कॉल करने के बाद। सी, हमारे लिए एम्प्लॉय वेलफेयर बहुत ही क्रूशियल है, तो आप हमारे एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए क्या इंश्योर करेंगे? क्या आपके ईएसएस में इसके लिए कोई प्रोविजन है? मैम, वेलफेयर की जहां तक बात है, जिसका वेलफेयर है वो अपना वेलफेयर खुद सोच लेगा। हैप्पी सिंह, वेलफेयर के लिए वो अपनी वेलफेयर एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी सेवा वो खुद करें। गुड, गुड आइडिया। हैप्पी सिंह, अगर तुम्हारा सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है तो कोई भी इंप्लॉय इसमें तो छेड़छाड़ कर सकता है। भाई, सिक्योरिटी कहाँ है इसमें? आज सुबह सबने पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। लेकिन नहीं, इसमें सिस्टम में बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी एम्बेडेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंजीनियर्स को अपने काम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, तो इसमें अपग्रेडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जो ISO 54002 है। आपने ISO 27001 पढ़ा होगा, उससे भी डबल पावर की सिक्योरिटी इसमें इंप्लीमेंटेड है। अमेजिंग, गुड फीचर। अच्छा, वो तो सब ठीक है, हैप्पी सिंह,
क्या प्रमोशन के लिए भी कुछ प्रोविजन है इसमें? ये खाली बस यू ही एम्प्लॉय स्क्रू कर रहे हो? यस शाक, प्रमोशन करना क्यों है? प्रमोशन तो रोकना है। इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर है, वो है बैकडेट पॉलिसीज। जब भी एम्प्लॉय आगे बढ़े आप बैकडेट पॉलिसीज निकालिए। ये कैसा सिस्टम है भाई? मतलब एम्प्लॉयज आगे आगे, पॉलिसीज पीछे पीछे। गुड यार, लेकिन एक बार बताओ, एक क्रूशियल पॉइंट है, लीव कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि मेरी आईटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग बल्क में लीव पे जाते हैं। तो मेरे पास टारगेट पूरे करने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, लीव के दिन वर्क फ्रॉम होम करा लो, राइट, या दूसरा जो अच्छी कंपनीज करती है, बैंक स्ट्रेंथ रखो, लीव वालों के रिप्लेसमेंट में काम कराओ। लेकिन उसका खर्चा बहुत है। अगर तुमने वो खर्चा मेरा बचा लिया, मैं तुम्हारे स्क्रू सिस्टम को मान जाऊंगा। यस शाक, इस सिस्टम में हमारे ब्रिलियंट माइंड्स ने बहुत ही इनोवेटिव फॉर्मूला एम्बेड किया है, और वो फॉर्मूला जो रामानुजन थ्योरी पे बेस्ड है, हाईली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है एल। दैट्स इंटरेस्टिंग। या वाओ, एल, एल की कोई वैल्यू भी होगी? एल एल जो अभी अभी हमने 90 से रिड्यूस करके 30 किया है, आप चाहे उसे 15 करें, 10 करें, 20 करें, एंड सीधा इंपैक्ट, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। बट एक बात बताओ, इसमें तो हो सकता है कि मैनेजमेंट भी फंस सकती है। राइट पॉइंट, ट्रू सर, बट ये जो सिस्टम है, ये जो इनोवेटिव सिस्टम है, ये सिर्फ प्रजा के लिए काम करता है, राजा के लिए नहीं करता। यार नर्व्स को पकड़ रखी बंदे ने। ठीक है हैप्पी सिंह, गिव अस अ मिनट, हम आपको बताते हैं, लेट अस डिस्कस। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, इतने सारे फाउंडेशन के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगा? यार देखो, आइडियाज बड़े अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे टिका पाएंगे मुश्किल है। सो लेट्स टेक अ कॉल। ओके, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक इस तरह के वर्क कल्चर में कोई भी एम्प्लॉय सस्टेन कर पाएगा। You are trying to create a toxic environment in the company and I am not buying this. So I am out of this. Loud bull. But anyways, all the best for your future. Guys, what's your take? Happy Singh, it is practically impossible. Koi use case hai tumhare paas? Batao. Hai na sir. हैप्पी सिंह, मुझे लगता है मेरे एम्प्लॉई मेरे एसेट्स हैं, और बहुत ही मेहनत से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लाया हूँ, और इनकी जो लॉयल्टी है वो एक दिन का खेल नहीं है, कई वर्ष कई साल लगे हैं इस लॉयल्टी को लाने में। और ये तुम्हारा जो बिजनेस मॉडल, जो तुम ESS स्क्रू सिस्टम बता रहे हो, मुझे लगता है कि ये कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना स्केलेबल है और ना ही सस्टेनेबल है। तो सॉरी, आई एम ऑल्सो आउट, but okay. Wish you all the best, Happy Singh, for your idea and bright future. Okay, Chaudhary sahab, naraaz kar diya apne ladke ko. Hey, mujhe kuch. Happy Singh is now not so happy. Yaar, tere ko ek free mein idea dun. Waise Marwadi hu, free ka idea deta nahi. Free ka idea sun lo, agar implement kar pao to. Bhool jao screw system ko. Shayad kaam na kare. Dekho, meri 40 companies hain. 3 to public sector khareedi pichle mahine. Agar ye system as it is lagaya, कितना चलेगा तुम बताओ? 6 months, 1 year, maximum 2 year, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत नेगेटिव होगा हमारी वर्कफोर्स के ऊपर। सो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम काम करेगा। सो फ्रॉम माय साइड सॉरी, बट बेटर ट्राई समथिंग एल्स, ऑल द बेस्ट। ओके शान, अच्छा हैप्पी सिंह, एक मिनट यार, एक जवाब दो मुझे, ये इतने इनोवेटिव आइडिया तुम लाते कहां से हो? मतलब बचपन से टैलेंटेड हो क्या? बचपन से टैलेंटेड है या कोई क्रैश कोर्स का सर्टिफिकेशन करके आया है? शार्क, मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में 17 साल काम किया है। व्हाट? 17 साल और टाइमली हर प्रोडक्ट की डिलीवरी भी दिया है। दैट्स अमेजिंग, रियली आई एम इंप्रेस्ड। अगर तुम इस कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हो फॉर द 17 इयर्स, I can bet you can survive anywhere in this world. Right. So, iska idea nahi pasand aaya mujhe. I don't like your idea, but I like your confidence.
I like your patience. I like your tolerance. All of the above. I can bet on you. एक ऑफर दूं अगर मानोगे तो अगले महीने बांग्लादेश रेलवे की आईटी कंपनी खरीद रहा हूं. वाओ भाई साहब, डायरेक्टर बनोगे उस कंपनी के? ऑफर मंजूर है तो सैलरी डिस्कस करें. ऑफर तो अच्छा लग रहा है, ले लूं क्या? जीएम सर, सर सर डेटा सर अभी तो मैं स्किट में हूं सर, शाम को दे दूंगा. हाँ सर. शार्क टैंक, मैं तो बच जाऊंगा लेकिन मेरे कलीग्स का क्या होगा? और जिस कर्म भूमि में मैं 17 साल से काम कर रहा हूं, इस क्रिस का क्या होगा? नहीं, मुझे अपने आप को नहीं, अपनी कर्म भूमि, अपने क्रिस को बचाना है. और उसको सिर्फ भगवान बचा सकते हैं. इसलिए मैं हैप्पी सिंह उस ईश्वर की तपस्या करूंगा. पर तपस्या करूं किसकी? मैं भी कुछ सोच लूं. नारद मुनि की ठीक रहेगी. तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, ज्ञान के भंडार हैं, नारद मुनि ठीक रहेंगे. ओम नारद मुनि नमः. ओम नारद मुनि नमः. ओम नारद मुनि नमः. आंखें खोलो वत्स, देखो हम आ गए. बोलो क्या वरदान मांगते हो? मुनिवर, आपने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए. देर आए बेकार आए. नारायण नारायण. वत्स, तुम 17 सालों से इस क्रिस में जॉब कर रहे हो, क्या ये किसी तपस्या से कम है? मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ. बोलो क्या वरदान मांगते हो? मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, इस समय क्रिस खतरे में है, बस उसी का समाधान चाहिए, यही वरदान. खतरे में है? नारायण नारायण. ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा वत्स, तुम कुछ और मांग लो. ये तो किसी और के हाथ में है, मैं इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं, वो तो कोई और है. नारायण नारायण. बोलो कुछ और मांग लो. नहीं मुनीश्वर, मुझे यही वरदान चाहिए, इसी समस्या का समाधान चाहिए. सोचना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी. किस प्रभु के पास जाना है ये सोचना पड़ेगा. बट प्रभु को गए तो जमाने हो गए, अब तो सब कुछ वैष्णव जी के हाथ में है. अरे मेरा मतलब विष्णु जी नारायण नारायण. तो हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा. तो अब क्या मैं विष्णु जी की तपस्या करूं? इसमें तो बहुत समय बीत जाएगा. अरे नहीं वत्स, तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें विष्णु जी के पास सीधे ले चलूंगा. चलो हम विष्णु जी के पास चलते हैं. धन्य हो मुनिवर, धन्य हो. नारायण नारायण नारायण. नारायण.
नारायण नारायण प्रणाम भगवन। एक फरियादी मनुष्य आपकी शरण में आया है, उसकी समस्या का समाधान करें प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे वत्स, कुछ समय पहले ही तो मैंने तुम्हें नेशनल रेल म्यूजियम में दर्शन दिए थे, याद है ना सबको? तुम फिर से आ गए, क्या विपदा आन पड़ी? हे पालनहार, हे करुणा निधान, आप तो सब जानते हैं क्रिस खतरे में है। आए दिन नई नई नोटिस, आए दिन नई नई खबरें, कभी IRCTC, कभी TCS, और कुछ दिन पहले तो एक रिपोर्ट भी आ गई थी, संजीव जी उन्होंने संजीवनी बूटी की जगह कोई और ही बूटी दे डाली। और नाथों के नाथ उन्होंने तो ये भी लिख दिया कि 30 दिन का नोटिस और बस। नारायण नारायण, आप ही कुछ समाधान करें प्रभु। यही इस जीवन की विडंबना है, लेकिन यही विधि का विधान भी है। नारायण, इस अनिश्चितता के बीच देखो क्रिस का इंजीनियर कितना परेशान है। नारायण नारायण, और वो आउटसोर्स वालों को देखो, जिन्हें कल का भी पता नहीं, वो तो और भी महान है। नारायण नारायण नारायण। इतने संकट में, इतनी विपदा में तुम कैसे काम कर लेते हो वत्स? नारायण नारायण। बहुत वर्क प्रेशर है वत्स, बहुत वर्क प्रेशर है। नारायण नारायण। भगवान, आपने ही तो कहा था कर्म कल और फल की इच्छा मत कर। ठीक बोल रहे हो तुम, इस जीवन के अंदर अनुकूल समय भी आएगा, इस जीवन में प्रतिकूल समय भी आएगा। नारायण नारायण। सत्यवचन सत्यवचन। तुझे पॉलिसी भी सताएगी और तेरा प्रमोशन भी रुक जाएगा। प्रमोशन भी रुक जाएगा। नारायण 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 नारायण। तू परीक्षा भी दोहराएगा, फिर भी तू क्राउड बेनिफिशियरी ही कहलाएगा। क्राउड बेनिफिशियरी ही कहलाएगा। नारायण नारायण नारायण। छुट्टियों में अंडमान की वो लहरें जब तेरे तन को शीतलता दे रही होंगी, यहाँ मैनेजमेंट तेरा SPA वापस ले रही। नारायण नारायण नारायण। तू इसी काल चक्र के चेक इन चेक आउट में फंसा रह जाएगा। कटु सत्य नारायण नारायण नारायण। पर वत्स, धैर्य और संयम यही तेरे नौका पार लगाएगा, ये कठिन समय है ये भी बीत जाएगा। बीत जाएगा बीत जाएगा। नारद, तुम इन्हें धर्मराज के पास ले जाओ और इनकी समस्या का निवारण सुनिश्चित करो। जी भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। चलो हैप्पी सिंह। प्रणाम भगवान। प्रणाम। जय कल्याण भवतु, कल्याण भवतु, कल्याण भवतु। यम है हम। नारायण। हम है यम। टू यम। अरे मुनिवर आप। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए आइए। प्रणाम धर्मराज, देखिए कौन आया है। अरे हैप्पी, तुम? प्रणाम धर्मराज। अरे तुमने पिछली बार परलोक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, पर अब समय आ गया है कि अग्रभाग तकनीकी की सहायता से लोक परलोक 2.0 बनाया जाए। अग्रभाग तकनीकी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। नारायण नारायण। मैंने भगवान विश्वकर्मा जी से भी बात की थी इस विषय में, परंतु उनकी टीम को स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काफी समय चाहिए था, पर हैप्पी तुम तो हर कंडीशन में काम कर लेते हो, तुम्हें तो काफी एक्सपीरियंस है, और सुना है अनसैंक्शन्ड वर्क तो तुम और जल्दी कर देते हो। तो अब जब तुम आ ही गए हो तो लोक परलोक 2.0 बनाकर ही जाओ।
यमराज धर्मराज, यहाँ पर तो आपके स्वर्ग में नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम रहता है। नाराज, वो तो मैं इंद्रदेव से कह के बादलों की व्यवस्था करवा दूंगा। बादलों की व्यवस्था मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग? नारायण नारायण। मुनिवर मुनिवर, धर्मराज इसको सबको बाद में देख लेंगे, पर इस समय मैं किसी और प्रयोजन से आपके शरण में आया हूँ। कैसा प्रयोजन? क्रिस खतरे में है और स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे आपके पास इस समस्या के समाधान के लिए भेजा है। अब प्रभु ने आदेश दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नारायण, मैं अभी चित्रगुप्त से बात करके क्रिस की फाइल मंगवाता हूँ। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, कृपया ध्यान दीजिए, चित्रगुप्त वर्क फ्रॉम होम पर हैं। वर्क फ्रॉम होम क्या अभी चल रहा है? नारायण नारायण। कोई बात नहीं प्रभु, मैं उसे फोन करता हूं। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, प्रभु की जय हो। प्रणाम प्रभु। क्या तुम वर्क फ्रॉम होम पे हो? हाँ प्रभु, वर्क फ्रॉम तो आजकल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसमें इतनी विचलित होने वाली क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, मैं विचलित नहीं हो रहा, ये तो हर ऑफिस में होना चाहिए, है कि नहीं? नारायण नारायण। चित्रगुप्त तुम एक काम करो, क्रिस की फाइल को देखो और मुझे बताओ कि क्रिस को कितना समय शेष है। महाराज वो फाइल, वो तो गुम हो गई है, अभी कल ही तो हमने नोटिस बोर्ड में चिपकाई थी सर। अरे चित्रगुप्त, ऐसे कैसे खो गई फाइल? हाँ मैं तो परिहास कर रहा था प्रभु, क्षमा करें, फाइल वही आपकी उत्पीठिका पे रखी हुई है। उत्पीठिका? उत्पीठिका? इतनी शुद्ध हिंदी, भगवान कहीं आपने उसको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्रिस से तो नहीं हायर किया? मैंने डेपुटेशन पे तो भेजा था एक बार। नारायण नारायण। मैं फाइल देख ही लेता हूं, इस पर तो घोर भी पत्ती है। धर्मराज कुछ तो उपाय होगा, भगवान विष्णु की बात का मान रखें। अब भगवान ने कहा है कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, मैं अमृत का वरदान तो नहीं दे सकता, पर एक उपाय है, मैं इसके कमेंट सेक्शन में एक टिप्पणी लिख देता हूं। नारायण। ना तुम्हें कोई पॉलिसी मार पाएगी, ना ही तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी मार पाएगी। वाह वाह वाह, नारायण नारायण। ना ही तुम्हें कोई टेंडर मार पाएगा, ना ही तुम्हें कोई वेंडर मार पाएगा। ना कोई वेंडर मार पाएगा, नारायण नारायण। ना ही तुम्हें कोई प्रलय से मार पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई विलय से मार पाएगा। मर्जर से भी नहीं मार पाएगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो नारायण नारायण जय हो। हैप्पी सिंह ने कुछ और समय के लिए क्रिस को बचा लिया, पर कब तक? अब यह अब भी यक्ष प्रश्न है, और साथ ही साथ एक महीने से ज्यादा तपस्या करने के कारण हैप्पी सिंह का एसपीए भी काट लिया गया। धन्यवाद। हैप्पी सिंह की समस्या देख के आंसू आ गए। कोई नहीं, अब हमारा लास्ट हमारा डांस का प्रोग्राम है, इसके बाद वील रैपिंग, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डांस टीम से कि प्लीज़ गेट रेडी। अच्छा, अब मैं ऑडियंस में से कुछ चाहूँगा कि कोई वॉलेंटियर करे, कुछ आके हमें बताए, कोई है? हमारे पास तो कंटेंट ख़त्म हो गया। बलराज कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बहुत अच्छे टैलेंट है बलराज का, मुंह छुपा रहे हैं क्या? आइए आइए।
आइए, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू बलराज. गुड आफ्टरनून टू ऑल. मैंने स्टैंड अप कॉमेडी तैयार की थी लेकिन किसी कारणवश मेरा वो टाइम नहीं मिल पाया. अरे रुक जाओ. मैं बचपन से बहुत इंटेलिजेंट था. एक बार एक पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे, ऊपर लिखा था डू एनी 5. मैंने 10 के 10 कर दिए थे, नीचे लिख दिया चेक एनी 5. किसी का एहसान नहीं रखता मैं. उसके बाद मैं कॉलेज चला गया जहां पे मेरे बैक पे बैक फेल पे फेल फेल पे फेल 12 में से 11 में कंपार्टमेंट आया था. उसके बाद मैं सुसाइड करने के लिए छत पे चला गया था लेकिन वहां जाके पता चला कि मेरे तो अमेजोन से जूते आने हैं. और ये सब हुआ किस लिए, क्योंकि हम कॉलेज में ग्रुप स्टडी करते थे और मुझे आज भी याद है कि हमारा 25 मई को एग्जाम था और 24 मई को 12 लड़के मेरे कमरे में आ गए ग्रुप स्टडी के लिए और किताब किसी के पास भी नहीं. होती भी कैसे, कुछ ने बियर में उड़ा दी, कुछ ने टेडी बियर में उड़ा दी. और मैंने क्या किया कि भाई इनकी करियर खराब हो जाएगा, मैंने अपनी बुक फाड़ के सबको डिवाइड करके दे दी. उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये जब आपका फिनिश हो जाए तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना. एक घंटे के बाद उठा हूं मैं, एक के पास गया हूं, मैं कहा भैया तेरा हो गया. अरे कब का? तो मैं कहा यार ये तो इंडेक्स है. और उसने जो टाइटल थे उसके हेडिंग के नीचे लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट. तो दूसरा बोला भाई तू एक काम कर, इस पर क्यों दिमाग खराब कर रहा है, तू मेरे पास आ जा, मुझे मेरी एक प्रॉब्लम है. मैं कहा बता भाई क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंड फ्रेंड के ही काम आता है. करके नेहा ने मुझे मैसेज किया है, उसका रिप्लाई क्या दूं. मैं यार कल एग्जाम है, तू आज रिप्लाई मांग रहे. और वो बोला कि मखा नेहा हमारे कॉलेज की सबसे मॉडर्न लड़की जिसने पिछले वीक अपने हेयर्स में 12,000 का कलर करवाया था, और एक तू है कि जिसने जो लास्ट टाइम में सैलून में 500 जब दिए थे जब वो कैची चोरी करते हुए पकड़ा गया था. करे हड़के में ले रहा है क्या, देख ये मैसेज है. मैंने देखा सच में नेहा का मैसेज आया हुआ था, लिखा था कौन है बे तू. और उसने मैसेज किया हुआ था नेहा कैन यू लव मी टू. उसके बाद बोले कि भाई बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ाई कर लेंगे. और खाने का मतलब था हमारे हॉस्टल के पास में एक बैंक्वेट हॉल था, हमारे पास जब भी टाइम होता था हम वहां जाके कुछ भी खा लेते थे, बड़े अच्छे आदमी थे, किसी ने कभी नहीं रोका. तो हम चले गए वहां पे, लेकिन एक लड़के ने इतनी दारू पी रखी थी कि लड़की के बाप के कंधे पर हाथ रख के बोलता है यार लड़की तो बड़ी माल है. सच कहता हूं वहां पे उन्होंने बर्तनों के साथ टिशू पेपर तक डलवाए थे हमारे से. और जो मेरे दोस्त थे वो अननोनों की तो क्या जानकारों की बरात में ले जाने के लायक नहीं थे. एक बार हमारी टीचर ने फेवरेट स्टूडेंट के कारण उनको इनवाइट कर लिया, सब कुछ ठीक जा रहा था. लास्ट में जब विदाई हो रही थी तो एक के मन में पता नहीं क्या आया, अरे मैडम हमें भूल मत जाना, कीप टचिंग अस. साले वो कीप इन टच होता है. हम जैसे ही मतलब वहां पे गए तो बैंक्वेट हॉल के पास में है ना गुड़चड़ी हो रही थी और 10-12 के 12 हम वहां चले गए. तो मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड थे गुड़ उसमें बग्गी में चढ़ गए और दूल्हे के गले मिल रहे हैं. दूल्हा सोच रहा है कि मेरे तो इतने कजन थे नहीं, मेरे बाप ने तो बताया नहीं ये कहां से आ गए. और जो दूल्हे के गले में माला पड़ी हुई थी नोटों की उसमें से एक निकाल के ऐसे, अगर 5-6 लड़के और होते तो दूल्हा नोटों की माला की बजाय धागे की माला के साथ अंदर जा रहा होता. थैंक यू बलराज जी. थैंक यू वेरी मच. सो डांस टीम इज रेडी. सो लास्ट प्रोग्राम के लिए प्लीज बेगा जोर से तालियां बजा दीजिए.
म्यूजिक। चाय चाय कॉफी कॉफी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 2525 बॉलीवुड धमाका एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले, थोड़ा थोड़ा रे थोड़ा थोड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा थोड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा और पका ले ड्राइवर चल मत होले। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। ना देगा टिकनी चमेली देखी चिकना कमी ना देगा चांदनी ची डर हो के ठीक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात, खाली में कटोरा लेगा आलू भात मुड़ी भात, मेरे भी जोगी जी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
मुझको जंगली कह दे सारा जहां, हाँ मैं दिल तो फिरे याहू याहू दिल करे, मैं दिल तो फिरे याहू याहू दिल करे, बदन पे सितारे लपेटे हुए हर जन्म में रंग बदल के, ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, तो ये बताना है ये वादा रहा, ओ मेरी चांदनी, हर जन्म में रंग बदल के, ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, चलते। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन इंस्टाग्राम जंक्शन है।
यात्रियों से निवेदन है कि बॉलीवुड धमाका के डबल डोज के लिए तैयार रहें। तो क्या इरादा है? फिर भी कूल है, अभी तू बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुंह में तेरी तोड़े रूल है, तू है जिसको दीवानी। हाय वर्ष नशो तेरा कर कर के करता है, रात ये पूरी बेबी स्लो, अब नींद नहीं आनी। डांस मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 डांस मेरी रानी। Just bounce. Music. से पैर तलक बेतहाशा
के दिल कहाँ फिर पैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। सिंग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे पाक टोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोड़े हाँ जा गोरे हाँ जा छोड़े, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 सच्ची मेरी जैसा
टॉर्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रेलगाड़ी रेलगाड़ी
requested to please stay back, please be seated. Abhi, abhi 5 minute aur jheli hame. Picture bhi baaki hai mere dost. Ram bol de, bol. Thanks a lot. Thank you. All participants, please go backstage. Go backstage, chalo back. Sab log backstage jaiye please. Participants, please. That shows engineers are self-motivated. Volunteers also please go backstage. भाई आप लोग फ्री में शो लेकर जा रहे हैं, ताली तो बजा दीजिए, इतनी मेहनत करी है सबने. शुभकांत से बोलो मुझे लिस्ट देगा, लिस्ट लिस्ट शुभकांत से लिस्ट. MD sir, please come on the stage. We want to give some token of appreciation to all the participants and volunteers. All participants from singing to come on stage, please. All participants from singing to come on stage, please.
सर प्लीज कम अप। हाँ वी विल स्टार्ट विद सिंगिंग सर। नमित वर्मा संदीप कुमार देव जनी शी इज नॉट हियर मे बी यू कैन टेक Surbhi Singh and Devjani, Surbhi is taking. Gaurav Agarwal. Amit Jha. शिवम सिंह सुरभि अगेन फॉर हर सेल्फ एंड नितिन कौशिक स्किट मनीष शुक्ला रमन अरोरा मितेश सैनी प्रदीप रावल अच्छा प्रदीप रावल को बाद में दे देंगे अब बाहर देखिए कैलाश चौधरी अमित कुमार श्रीवास्तव नेहा मल्हान हीना जैन अभिषेक कुमार सिंह मुकेश दिव्या दिनेश कुमार एंड पुष्पेंद्र सिंह राजवत डांस पार्टिसिपेंट्स टू कम ऑन द स्टेज प्लीज कम ऑन पूजा मेहरा श्रीकांत झाझरा प्रियंका चिरवी पल्लवी दीक्षित जतिन आर राहुल अनिमेश सिन्हा सुंदर राणा सुबोध कुमार रश्मि रश्मि अनीता कुमारी मनीता ऋतुजा वर्मा चेतना मीना चांदनी कुमारी देवाशंकर नायक
रिजू देवा जाओ। अनिश्मा मोनिका एंड आवर वॉलंटियर्स प्लीज टू अलका सौरभ बोलो तुम अंदर से बुला के लाए प्रदीप सौरभ अरुण व्यास बैकस्टेज कौशलेश शुभकांत वर्मा अपने आप को खुद दे लो अब्दुल्ला अक्षय शिवांशु अक्षय ये है अनुराग गर्ग एंड पंकज कुमार दीप्ति कुमारी सॉरी दीप्ति आहूजा दीप्ति जिसे मैंने छोड़ दिया या आहूजा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर वी वुड लाइक कि आप हमारे कोरियोग्राफर्स को प्लीज ये सब कुछ इसी के सब देने वाली हूँ मैं देने वाली हूँ सर इस बारे आई कांट टेक रौनक 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 वेयर इज रौनक क्विज के विनर्स यहां अवेलेबल है क्विज के विनर्स हैं अर्चना ये चेंज हो गया था देन ऑफिस में हम देख लेंगे सर फॉर कोरियोग्राफर्स दीपक एंड हंसा हंसा प्लीज कम ऑन द स्टेज सर दे हैव वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट दैट मैजिक ऑफ डांस Thank you, sir. It was a very well organized, very short one-day program where we did some good work in the forenoon and very entertaining and joyous afternoon. It was a very curtailed function because of COVID, and we may be doing the sports and other activities maybe in the later half of the year around
Diwali or something like that. So that we will do. Thank you very much, sir. Registrar, sir, kindly conclude.